नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। हम बात करेंगे उस व्यक्ति की मौत के बारे में जिसने न सिर्फ राजनीति जगत में बल्कि साथ ही साथ आम लोगों के मन में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी के बारे में। उनकी मौत हुई हार्ट अटैक से, लेकिन उनकी माँ उज्ज्वला ने जो बयान दिया है मीडिया में वो वाकई सनसनी फैला रहा है। क्या कुछ कहा उनकी माँ उज्ज्वला ने और क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी का मंगलवार शाम निधन हो गया। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित किया। अस्पताल के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 4:41 पर डिफेंस कॉलोनी स्थित करीब 40 वर्षीय रोहित के निवास से तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। इसके बाद अस्पताल से एम्बुलेंस भेजी गई। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी विजय कुमार ने कहा कि उत्तराखंड और यूपी के पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी को मृत अवस्था में ही मैक्स साकेत अस्पताल लाया गया था। उधर रोहित शेखर की मौत के बाद उनकी माँ के बयान ने सनसनी फैला दी है। रोहित की मां उज्ज्वला ने पत्रकारों से कहा कि बेटे रोहित की मौत तो नेचुरल हुई है, लेकिन बेटे को मानसिक यंत्रणा दी गई है। उज्ज्वला ने कहा कि जिन्होंने बेटे को अवसाद में डाला वो उनका नाम जरूर बताएंगी, लेकिन बाद में। उन्होंने कहा कि मन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बातें करने का उचित समय नहीं है, बहुत सी बातें करनी है। रोहित शेखर की क्या सामान्य मौत हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मृत्यु में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन मौत किन अवसादों से हुई है और उसके पीछे कौन लोग हैं ये मैं जरूर बताऊंगी। उज्ज्वला ने साफ किया कि रोहित को न्यूरो से संबंधित कोई भी समस्या नहीं थी। इससे पहले पिछले साल 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया था। वाकई देखना ये होगा कि रोहित शेखर तिवारी की मौत की गुत्थी आखिर कब सुलझती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे अपना पसंदीदा चैनल आज की खबर। नमस्कार। We'll be right back.